आगाज अच्छा तो अंजाम अच्छा। पहली गेंद पर छक्का के पत्तों की तरह मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आता है। मैं फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं जीपीएल सीजन 5 में हिंदी कमेंटर राजा बाबू बॉल टू बॉल लेकर। 3 ओवर पे 16 बने हैं, 123 का टारगेट को चेज करना है। अच्छी बात यह है कि विकेट अभी तक नहीं गवाया है। एक अच्छा प्लान सेट किया है कप्तान आलिम ने, एक फॉरनर और एक अपना लोकल प्लेयर को मैदान के अंदर भेजा है। कप्तान आया सद्दाम गेंदबाजी के लिए। व्हाइट का ऐसा अंपायर द्वारा एक अतिरिक्त रन और 17। और जब भी 17 होता है ना, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि खतरा आने वाला है। ये विकेट ऑल ओवर हो जाएगा, ये विकेट आ सकती है इसमें, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा हो या ना हो ये अलग बात है, मैं प्रेडिक्शन करता हूं। अरे भाई साहब ये देख लो भाई साहब, मैंने प्रेडिक्शन किया था एक गेम पहले ही, मैंने कहा था ये ओवर आएगा, इस विकेट आएगा, विकेट आया है। चलिए थैंक यू सो मच सद्दाम जी, आपने मेरा प्रेडिक्शन को सही किया। मैंने बोला था अरे मैंने देखा नहीं था, क्योंकि ये जो क्रिकेट एक्सचेंज में चलता है नहीं। अगर आप सबको मेरी कमेंट्री इस तरह से हमारे इस जीपीएल सीजन 5 का फिनाले का है कप्तान, इस ओवर में तो सीना तान चले, मगर जो बल्लेबाज सामने है ना, नाम इनका सागर है, ये गागर भरते हैं, ये अच्छा खेलते हैं और इस टूर्नामेंट के सॉरी करण है, ये मिस्टर करण, ये अच्छे छक्के लगाते हैं, ये छक्के सिक्स हिटिंग मशीन को कहा जाता है। और इसी बीच हमारे मंच पे उपस्थित हो चुके हैं कोटाल पोखर के बड़ा बाबू सॉरी थाना प्रभारी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इसी बीच लगता हुआ छक्का, छक्के के साथ स्वागत किया गया है थाना प्रभारी जी का। ये छक्का ये दर्शाता हुआ कि इस बल्लेबाज में दमखम है, जबरदस्त बल्लेबाज है, नामकरण है, काम करण जौहर वाला कर रहे हैं। एक तरफ है करण, दूसरी तरफ है अर्जुन, करण अर्जुन की जोड़ी मैदान के अंदर। तीन गेंदों पे 6 रन, यानी 200 का स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं मिस्टर करण। और नॉन स्ट्राइक रेट पे खड़े हैं 8 गेंदों पे 8 रन मिस्टर सैंटू। आसानी के साथ खेलना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है ना, एक और छक्का आएगा। ये लंबे कद के हैं, ये डंग ग्राउंड अच्छा लगाते हैं, ये कवर की दिशा में लगाते हैं। 23 के एक स्कोर पे एक गिरा है, चौथा ओवर प्रगति पर है, सामने क्षेत्र रक्षक को और लाया गया है विकेट कीपर के पीछे दिनेश सिंह राजपूत। भाई साहब ये कोशिश तो की थी। चलिए इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर समाप्ति पर कुल स्कोर 23। हमारे सीनियर कमेंटेटर अब तक कमेंट्री कर रहे थे, आंखों देखा हाल आप सबको बता दूं कि 5 ओवर समाप्ति के बाद कुल स्कोर 31 रन, टॉस जीत के पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया बीरभूम, देवघर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। और अब तक बल्लेबाजी जिस अनुरूप के लिए जाने जाते हैं उसी तरीके से खेली है देवघर। अरुण चपराना जो पिछला मैच के जबरदस्त गेंदबाजी के साथ शुरुआत किए थे, इस मैच में भी थोड़ी सी महंगे जरूर साबित हुए, 2 ओवर में 19 रन खर्च किए हैं और इस ओवर में वापसी करना चाहेंगे। ये आखिरी ओवर है पावर प्ले का, इस ओवर में कुछ ना कुछ तो होने वाला है, कुछ ना कुछ खलबली मस्ती है। जब भी पावर प्ले का आखिरी ओवर होता है वहां थोड़ी सी मुश्किल आती है। टीम के कप्तान अजहरुद्दीन बिल्कुल शांत, आज विकेट कीपिंग नहीं कर रहे हैं, थोड़ी सी बातचीत हो रही है गेंदबाजी के दौरान, सेट करना पड़ता है बल्लेबाज। अब तक अच्छी बल्लेबाजी की है मिस्टर राजा,
11 गेंदों पे 6 रन बनाए। 5916 अगर आप सबको पसंद है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करें। तेईस पे एक है, वो जो फाइनल जीतने का सहरा है ना उसको सजाना चाहेगी। फाइनल पहुंची थी सिरकोण मगर उसको जीत में तब्दील नहीं कर पाए थे, क्या आज तब्दील कर पाएंगे? टारगेट छोटा है 123 का, इसको चूज ऐसा होते देखा गया मगर इसको डिफेंड होते हुए देखा गया है। गेंदबाजी के लिए आए हैं सेंटो के सामने मिस्टर अविनाश। अविनाश क्या करेंगे आज अगली टीम का सर्वनाश या सिरकुंड का हो जाएगा फिर से एक बार विनाश। हल्के हाथों से खेला है एक रन के साथ, अपना स्ट्राइक को रोटेट किया है। भाई साहब ये करण का विकेट ले गए, अविनाश ने किया सर्वनाश। इसको आज चलना है, इसको आज काम तमाम करना है। एक अच्छे कप्तान बन के उभरे हैं, अपनी टीम को शून्य से शिखर तक पहुंचाया है। कल्पना भी नहीं की थी किसी ने कि आगलो आज फाइनल खेलेगी मगर फाइनल तक पहुंचाया है इन्होंने, एक जबरदस्त कप्तान। उनके टीम मैनेजमेंट मिस्टर शकील जो एक अच्छा टीम कॉम्बिनेशन बनाया, साथी प्लेयर लोकल प्लेयर मिस्टर सफीर रहमान, हसनैन आजमी, सानू गर्ग जो चॉकलेटी बॉय के नाम से मशहूर, उनका आना बाकी बल्लेबाजी में, क्या आज वो ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करने आएंगे। 25 पे दो है, ये पांचवा ओवर प्रगति पे है, फाइनल को फाइनल जैसा बनाया है। ये अच्छा खेला है, ये गैप में खेला है, उस दिशा में जब भी गेंद जाती है ना तो रुकती नहीं है भाई साहब, वो तेजी से निकलती है। एडन गार्डन का मैदान।